मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज मैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बीच में छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, हमने कहा था कि कुछ एक यूनिट्स ऐसी, कुछ एक क्वान्टिटीज ऐसी ली गई जिनको एक फंडामेंटल नाम दे दिया गया और उनकी यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद उसमें दो यूनिट्स को एडिशन कोड किया गया और दो यूनिट्स को जोड़ा गया जिनका नाम क्या दिया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हमने एज्यूम की थी, एज्यूम क्या, वो तो फिक्स है। किसने दिया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट फ्रांस में जो ये संस्थान है उन्होंने ये रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड साथ फिक्स किए गए थे, जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव कर सकते हैं। कौन कौन सी थी, पहली थी मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी ऐड की गई थी जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को डीपली हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से भी यहाँ देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है, क्योंकि जो बेसिक एंगल हम आज तक बनाते आए हैं मैथमेटिक्स में 8th, 9th, 10th क्लास में, सिंपल आपसे बोला जाए 60 डिग्री का एंगल बनाओ, दैट इज द प्लेन एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाओ, दैट इज द प्लेन एंगल। सो वो एंगल जो दो आर्म से मिलकर बनता है, दो साइड से मिलकर बनता है, ठीक है, इनको बोला जाता है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि इसको रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको रेडियन से लिखा जाता है। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी जो कि हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज डिग्री। एंगल के पीछे हम डिग्री लगाते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, वो प्रैक्टिकल यूनिट मानी जाती है फिजिक्स के अंदर। और आज के बाद जब भी हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, रेडियन, आरडीसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एक होती है बेस यूनिट, एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है बच्चों, एक आएगी आपकी डेराइव्ड यूनिट, एक आती है आपकी इसमें बेस यूनिट हो गई, आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई, आपकी डेराइव्ड यूनिट हो गई, इसके अंदर एक आपकी प्रैक्टिकल यूनिट आती है। एक यूनिट और हम लेंगे इसमें, दैट इज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। ये कुछ एक टाइप्स हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बुक्स में शायद मिले ना मिले, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बेस यूनिट जो फंडामेंटल टेबल में आती है वो सारी बेस यूनिट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मालूम है कौन कौन सी होती है, मीटर हो गया, ठीक है, टाइम, सेकंड हो गया, इस तरीके से। डेराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल के हेल्प से निकाली जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यही हो गई, रेडियन, स्टेडियन जो हम पढ़ेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो किसी सिस्टम से बिलोंग ना करती हो, जो किसी सिस्टम से बिलोंग ना करती हो, सिस्टम जैसे SI हो गया, CGS हो गया, इस तरीके से। तो इसको फंडामेंटल ना कह के मैं इसको प्रॉपर यूनिट भी कह सकता हूँ, ठीक है, इसको प्रॉपर यूनिट भी बोला जा सकता है,
जो कि किसी न किसी सिस्टम के साथ बिलोंग करती है, जैसे SI, CGS, FPS, MKS हमने कल बताया था ना, तो इनके बारे में जस्ट इनके नाम याद रख लो, बहुत है, इतना काफी रहेगा आपके लिए। जो अब आते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसी के ऊपर हम आएंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट मैंने यहाँ पे रेडियन बताया था। प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो कि दो आर्म से मिलकर बनता है, जो बेसिक एंगल होता है वो प्लेन एंगल कहलाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और डीपली स्टडी करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन समझते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आएगा आपके। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया मैंने कि ये एंगल और ये क्या है, दैट इज ए आर्क, मानते हैं आर्क इसको, ठीक है। कोई भी एंगल बनाते हैं तो एक आर्क से सेंटर के ऊपर, ये आपका सेंटर है और ये रेडियस हो गया, जिसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, थीटा डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला बन के आया कि रेडियन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए थीटा रेडियन की फॉर्म है, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे, तो मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारी जो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, दैट इज, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा याद रखना इसको। पहली प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या खुद हो, और आपने एक कंप्लीट चक्कर पूरा किया, तो सेंटर के साथ आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया, सेंटर के साथ आपने आर रेडियस लेते हुए आप चले इस डायरेक्शन में और यहीं पर आ गए, तो आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया। तो चलिए एंगल निकालते हैं, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। देखिए जरा लेंथ ऑफ आर्क, यहां से चले और यहां आ गए, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, और यहां से चल के यहीं पर आना, ये क्या हो गया, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जो कि परिधि का काम करती है, और सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहाँ से चले यहीं आ गए, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई हमारी, 2π r, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ लेंथ सर्कल, और कह सकते हो कि लेंथ ऑफ आर्क। और रेडियस कितना है इसका, आर से आर कैंसिल, 2π rad, ठीक है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 2π rad, ऐसे ही बोलते हैं हम 360 को, ठीक है, 360 को हम 2π की फॉर्म में लेते हैं, तो इस एंगल से वो निकाला गया है। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बजाय यहां से चल के और यहां पर आ जाऊं, तो ये एक हेमिस्फीयर, हेमी सर्कल का काम कर रहा है, तो यहां पे देखिए एंगल हम किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क यहां से चला यहां पे आके रुका, कितनी लेंथ इसने कवर की, कंप्लीट सर्कल में कितनी लेंथ कवर कर रहा था वो, 2π r, तो सेमी सर्कल में कितनी लेंथ कवर करेगा वो, π r, और अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r से r कैंसिल, दैट इज द π r, बोला जाता है 180 को π की फॉर्म में हम लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां से सही रिजल्ट निकल कर आए थे, जो कि हम आगे प्रश्न और प्लस टू में यूज करेंगे, बहुत जगह ये आएंगे जहाँ पर 2π को 360 की फॉर्म में मानेंगे, π को 180 की फॉर्म में मानेंगे। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए सर्कल का 1/4 पार्ट ही चला बंदा, मतलब यहाँ से चल के और यहाँ पर पहुंचा, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वैसे देखने को मिल रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन रेडियन की फॉर्म में हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, लेंथ ऑफ आर्क कंप्लीट सर्कल की कितनी थी,
टू पाई आर, तो टू पाई आर का चौथाई हिस्सा है, तो टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, और रेडियस कितना है, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। बेसिक रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, हम 90 डिग्री को बोलेंगे पाई बाई 2 रेडियन, 180 को बोलेंगे पाई रेडियन, और 360 को बोलेंगे 2 पाई रेडियन। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आप ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो प्लेन एंगल के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं। अब हम चलते हैं कुछ एक बेसिक रिजल्ट जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 पाई रेडियन या पाई रेडियन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखो सेंटर के साथ इतना था, सेंटर के साथ 180 डिग्री का, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 360, इस तरीके से। चलिए अब बात आती है इसके कुछ एक रिजल्ट की। एक सिंबल होता है पाई रेडियन को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और आगे आपको इस तरीके से ही याद रखना है पाई रेडियन, पाई रेडियन। अब पाई रेडियन में कितने डिग्री था, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और 2 पाई रेडियन में 360 भी होते हैं, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि पाई रेडियन को आप 180 की फॉर्म में लिख सकते हो और 2 पाई रेडियन को आप 360। इसका मतलब इन रिलेशंस के जरिए आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको ये 1 पाई भी लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, गलत कोई नहीं होगा, और इजीली समझ में आ जाएगा कि 1 पाई का 1 पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। तो एक तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि बताओ कि 1 एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, सॉरी एक यहां पे बोला गया है कि पाई रेडियन 180 डिग्री, देखिए ये एग्जांपल मैं आपके लिए लाया था यहाँ पे 1 रेडियन कितना है बताइए। देखिए पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन कितने के बराबर आएगा, सिंपल से क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स में पढ़ते हैं मैथ में हम। तो मुझे आप इतना बताइए कि पाई रेडियन जब 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन कितने के बराबर आएगा, देखते हैं, ठीक है। और सही बताऊं तो इस वाले रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे सॉलिड वाले में। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, ये आपका एक रिमेंबर पॉइंट बना दे, ठीक है। तो 1 रेडियन देखिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई को अगर सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू फिजिक्स के अंदर आप लेके चलोगे 3.14। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 3.14 को, तो देखिए अगर ये नहीं होता तो 3 से डिवाइड करता तो 60 आता, 0.1 है, यानी 60 के अप्रोक्स रिजल्ट आएगा हमारा। याद रखना कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 57.29 डिग्री। एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेन एंगल, ये था आपका प्लेन एंगल, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के बारे में देखिए जरा,
प्लेन एंगल में हमने क्या देखा था कि एक आर्क, एक सर्कुलर आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही थी, वो हमारा प्लेन एंगल था। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि आर्क के बजाय एक स्फेयर का, एक कंप्लीट स्फेयर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, एक सेगमेंट हमने ले लिया, और वो अपने ही सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज द सॉलिड एंगल। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये स्फेयर का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और सेंटर के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज, ठीक है ये, और इसकी यूनिट क्या कहलाती है, स्टेरेडियन। क्या कहलाती है, स्टेरेडियन। ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ स्फेयर, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, एक बार फिर से देखते हैं कि उसमें हमने क्या किया था कि एक जर्नल आर के लिए थी और वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही थी वो क्या था हमारा, रेडियन। लेकिन यहाँ पे लेंथ आर्क की बजाय हमने क्या लिया है कि एक स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, छोटा सा सेगमेंट, और वो अपने ही सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट इज द सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद रखा था उसी तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है स्टेरेडियन का, और वो आएगा आपका, उसमें था हमारा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और इसमें फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी इस सेगमेंट का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको भी समझने के लिए यहां पे कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए ये कंप्लीट स्फेयर होता, मान लीजिए ये कंप्लीट स्फेयर होता तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बजाय क्या आ जाता, एरिया ऑफ स्फेयर, और एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये अपॉन ये कैंसिल आउट, 4π स्टेरेडियन आ गया रिजल्ट। मान लीजिए अगर पूरे स्फेयर की बजाय यहाँ पे हेमिस्फेयर एंगल बना रहा होता, ठीक है, लाइक दिस, और ये सेंटर के साथ जो एंगल, ये एंगल हेमिस्फेयर इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाता वो क्या कहलाता, तो एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर, कंप्लीट स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr², तो हेमिस्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², और अपॉन रेडियस का स्फीयर कैंसिल आउट, दैट इज 2π स्टेरेडियन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। तो ये थे हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं फास्ट कि प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो दो आर्म से मिलकर बनता है, आर्क यानी कोई भी बंदा एक सर्कल के बिहाफ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है तो उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क वहां पे रिप्रेजेंट होती है, वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज द प्लेन एंगल, और रेडियन उसकी यूनिट कहलाती है, ठीक है। उसके बिहाफ पे मैंने दो तीन न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाए थे, उसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे आपके लेवल में। दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है हमारी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है कि कोई भी स्फेयर, उसमें क्या था लेंथ थी आर्क की, सिंपल सर्कल, इसमें स्फेयर आता है तो स्फेयर का कोई भी एक छोटा सा पार्ट, कोई भी एक सेगमेंट जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन, ऐसा आपसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे उसका ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं दो, एक तो कंप्लीट स्फेयर का, एक हेमिस्फेयर का, आप और भी ले सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं अगर सॉलिड एंगल हमें निकालना हो तो। क्लियर है? गुड। अब देखिए वैसे तो एक एग्जांपल है मेरे पास एनसीईआरटी का, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो वो बहुत ईजी, अगर वो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, वैसे तो इनके ऊपर इतने न्यूमेरिकल्स आते नहीं है,
फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट का। अब मैं जो करवाने जा रहा हूं आपको, तो एक एग्जांपल है मेरे पास कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 मिनट। अभी मैं समझाऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है, पूरी डिटेल में देखेंगे इसको। 1 मिनट का मतलब होता है मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा पार्ट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यानी सेकेंड ऑफ आर्क कह लो इसको या आर्क सेकेंड कह लो। और ये तीनों के तीनों हमें सोल्व करने हैं किसके अंदर बच्चों, इन रेडियन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे, गिवन कंडीशन हमारे पास जो है वो है हमारी गिवन कंडीशन कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन के बराबर है। कर चुके हैं पहले, एक बार फिर से आ गया। और एक चीज और कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट 60 सेकंड। इनका मतलब भी समझाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे बुक में से, तो इसीलिए इसको आप डीपली समझिए, आप इजली कर दोगे हर एक न्यूमेरिकल को। फिर इससे रिलेटेड देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक बातें जो मैंने पीछे बताई हैं उनको याद रखना है आपको। मैंने बताया था कि पाई रेडियन में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री या 1 रेडियन निकाला था हमने, 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे। एक तो ये रिजल्ट याद रखो आप, पहले कर चुके हैं प्लेन एंगल में और ये भी कर चुके हैं हम प्लेन एंगल में, और ये यहां से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक नॉलेज बता देना चाहता हूँ कि ये मिनट और ये सेकंड है, टाइम की यूनिट नहीं है बच्चों यहाँ पे। ये फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैथ वाले बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री में समझ लेंगे इन चीजों को, लेकिन बायो वालों के लिए ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद इतने डिटेल में ये नहीं समझाए जाएंगे बच्चों, तो ध्यान से बायो वाले मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से लेके, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एंगल है, आपको मालूम है कि कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का ये एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस 90 डिग्री के एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, कितने पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से, इस तरीके, नाइंटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो एक सेगमेंट बनेगा ना इसका, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये कहलाएगा 1 डिग्री के बराबर। सिंपल सी बात है, दो आर्म मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मैं 90 बराबर बराबर हिस्से अगर उसको कर दूं तो एक हिस्सा 1 डिग्री का कहलाएगा। तो याद रखना, इसको 1 सेगमेंट इसके बराबर आएगा 1 डिग्री के। क्लियर ये बात, ओके, डिग्री तो हो गया। अब बात आती है मिनट की, जो ये एक सेगमेंट लिया है ना, एक सेगमेंट मैंने 1 डिग्री का, एक सेगमेंट, एक सिंगल सेगमेंट, अगर इस सिंगल सेगमेंट को भी मैं
60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। सोचो बच्चों, इस छोटे से सेगमेंट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो एक सेगमेंट आएगा ना, उस एक डिग्री का जो सेगमेंट आएगा, दैट इज 1 मिनट। इफ वी डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री सेगमेंट, then 1 segment of degree is called 1 minute। इसीलिए तो देखो ये लिखा गया है कि एक डिग्री किसके बराबर होते हैं, 60 मिनट के, क्योंकि एक डिग्री एक सेगमेंट को हमने 60 हिस्सों में तोड़ा है, एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, 60 मिनट के बराबर। तीसरी पार्ट, पहली डिग्री किसी भी एंगल को, जैसे 90 डिग्री है तो 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना डिग्री कहलाता है, एक सेगमेंट एक डिग्री के बराबर कहलाएगा। फिर डिग्री के अगर आप 60 हिस्से कर दो तो जो एक हिस्सा होगा ना वो मिनट कहलाएगा। अब जो एक मिनट आई है ना, मिनट अगर उसके 60 हिस्से कर दिए तो एक सेगमेंट मिनट का क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी है ये। इफ वी डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 मिनट, देन 1 सेगमेंट ऑफ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अगर ये बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा ना ये चीजें, तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने की कि आप इनको समझिए। नोट्स में मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मिल जाएंगे वहां से ये सारी चीजें। तो आपको ये तो गिवन सेगमेंट है, गिवन क्यों है, कैसे आया वो मैंने बता दिया, ये कहाँ से आया प्लेन एंगल से, ये कहाँ से आया, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है हमारा, देखिए कैलकुलेट 1 डिग्री इन रेडियन, कैलकुलेट 1 डिग्री इन रेडियन। अब यहां से निकल सकता है ये तो साफ तौर पे कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अरे 180 डिग्री मिलकर पाई रेडियन बनाते हैं, 180 डिग्री मिलकर पाई रेडियन बनाते हैं। तो 1 डिग्री मिलकर कितना रेडियन बनाएगा, अरे 10 रुपए में 20 टॉफियां आती है, तो भैया 1 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी, डिवाइड कर देंगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि पाई रेडियन 180 डिग्री मिलकर पाई रेडियन बनाते हैं, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई बाई 180। इसको जब सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू जैसे मैंने बताई थी 3.14 होता है 180, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो रिजल्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, एनसीईआरटी का है न्यूमेरिकल। और रेडियन में मैंने ये कन्वर्ट कर दिया है, सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। मेन चीज है ये समझना, ये समझिए आप, ठीक है। तो पहला पार्ट बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की बारी आती है यहाँ पे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, सेकंड पार्ट 1 मिनट। आपको अगर किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना है ना, तो बच्चों एक माइंड में बात डाल लो कि रेडियन में चेंज तभी होगा, या कर सकते इजी पड़ेगा, वैसे तो हम स्टेप वाइज ही कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। और डिग्री और रेडियन का ये रिलेशन सबसे सिंपल है जो हमें याद रहता है, ठीक है, फिर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट 1 मिनट
को आप चेंज कर लीजिए डिग्री में। तो इस रिलेशन से साफ तौर पे आ सकता है, देखिए 60 मिनट में एक डिग्री होता है तो एक मिनट में कितना होगा 1/60। अभी 1/60 क्या आ गया, 60 मिनट में एक डिग्री होता है। देखिए एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा 1/60। ये क्या किस में चेंज कर दिया मैंने, डिग्री में चेंज हो गया ये। अब इसको भूल जाओ, अब 1/60 डिग्री है आपके पास, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो वही आ गया 180 डिग्री में पाई रेडियन है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है बच्चों, तो 1/60 डिग्री में कितना रेडियन होगा? नहीं आ रहा समझ में आपको? देखिए इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ना, अरे अभी अभी पहले पार्ट में हमने किया तो था, अरे पहला पार्ट जो मैंने किया था कि 180 डिग्री में बच्चों पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में कितना होगा पाई बाई 180। इसको समझो, एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 1/60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो? तो किस तरीके से ये आएगा, कुछ नहीं आएगा, पजल होने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, दैट्स ऑल। ठीक है, डिग्री में अगर बना लिया तो डिग्री को रेडियन बनाने का सीधा मेथड क्या है कि पाई बाई 180 से आप डिवाइड कर सकते हो, दैट्स ऑल। तीसरा जो आता है हमारे पास से 1 सेकंड, और 1 सेकंड में बच्चों अब सेकंड को पहले मिनट बनाना पड़ेगा, मिनट को फिर डिग्री में, और डिग्री को फिर रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि सेकंड है, सेकंड को मिनट बनाने का तरीका ये देखो, ये देखो 60 सेकंड में एक मिनट होती है, तो एक सेकंड में कितनी होगी 1/60, ये देखो 1/60 मिनट। और 60 मिनट को चेंज करने का, मिनट को चेंज करने एक डिग्री होता है, तो एक सेकंड में कितने डिग्री हो जाएंगे बच्चों, 60 से डिवाइड कर दूंगा 300 डिग्री। और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो फिर से वही मेथड हमारा एज यूजुअल पाई बाई 180। और ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तीनों पार्ट हमारे निकल चुके हैं, तो सबसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आई कि आपको एक तो मिनट और सेकंड का सिस्टम समझना है इसमें, वो जो मैं बता चुका हूँ पीछे, सेगमेंट्स में डिवाइड करना। और दूसरी बात ये है कि इसको अगर किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना है तो उसको पहले डिग्री में चेंज करो, ठीक है। और डिग्री और रेडियन का ये रिलेशन आप ईजिली लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, अरे ये और ये एक ही तो है यार, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 और 2π = 360, टू उधर जाएगा तो 180 तो आना है, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने समझाया, तो आई होप अब समझ में आ गई होगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में आज का ये लेक्चर था, आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे आउट।